हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरयूथ नेचुरल प्यूरीफाई नीम फेस वॉश का रिव्यू और साथ ही साथ डेमो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बात करूँगी एवरयूथ की। एवरयूथ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। आप नाम ही देख सकते हो एवरयूथ नेचुरल, नेचुरल नाम के साथ प्रोडक्ट भी नेचुरल होते हैं। इनके जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है गाइस। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है गाइस, आप ट्रैवल फ्री है, बजट फ्री है, तो आप इसे ट्रैवल में कहीं भी साथ लेके जा सकते हो। और बजट फ्री है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस फेस वॉश की। ये जो फेस वॉश है प्यूरीफाई नीम फेस वॉश है, ये रिड्यूस करता है पिंपल्स और एक्ने को। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम टी ट्री ऑयल। आप सभी को पता है पिंपल्स और एक्ने के लिए नीम कितना ज़्यादा अच्छा है। ये पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरियाज को किल करता है। नीम जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठंडक देता है आपके स्किन को। मैं आपको बता देती हूँ पिंपल्स आने के बहुत से रीज़न्स है, लेकिन मैं आपको कुछ रीज़न बता देती हूँ जिससे टीनेजर्स में पिंपल्स आते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है डस्ट, सेकंड जो रीज़न है वो है स्किन पे ऑयल रहना, थर्ड जो रीज़न है खाने में आप ध्यान नहीं देते हो, मसाले वाली चीज़ें खाते हो, ऑयली चीज़ें खाते हो, इस वजह से पेट खराब रहता है और पिंपल्स आते हैं। फोर्थ जो रीज़न है वो है हीट, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना, उस वजह से गाइस क्या होता है एक्ने और पिंपल्स के प्रॉब्लम आते हैं। टी ट्री ऑयल होने की वजह से ये आपके स्किन के ऊपर से ऑयल को रिड्यूस करता है, नीम होने की वजह से ये आपके स्किन को ठंडक देता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। इस वजह से ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस अब मैं आपको इसका डेमो दे देती हूँ। तो अब हम इस फेस वॉश को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई करने से पहले आपको फेस को अच्छे तरह से वॉश कर लेना है पानी से। उसके बाद गाइस इस फेस वॉश को आपको थोड़ा सा हाथ में ले लेना है। आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है वो जेली टेक्सचर है गाइस, और इसमें जो है छोटे छोटे से नीम के बबल्स दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्मेल गाइज, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये आपके पोर्स को भी अच्छे से ओपन कर देगा। इसमें जो ग्रीन कलर के गाइस दाने दाने हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से मसाज हो रहे हैं फेस पे। इसे आपको अच्छे से जहाँ पिंपल्स है वहाँ पे लगा लेना है। फेस वॉश मेरा लग चुका है, अब हम इसे वॉश करेंगे। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ जिनको एक्ने के प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। एक्ने है जिनको, वो उन्हें तो यूज़ करना ही है, लेकिन जिनको ऐसे भी यूज़ करना है उनके लिए भी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। तो आप देख सकते हो मैंने फेस वॉश अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फेस को हमने वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस थी वो भी कम हो गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है एक्ने और पिंपल्स के लिए। थोड़ा सा हम इसे एक टॉवल से, एक कपड़े से पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हो फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है टीनेजर्स के लिए। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये फेस वॉश कैसा लगा। मैं इसे पिछले एक महीने से ट्राई कर रही हूँ, मेरे जो एक्ने और पिंपल्स थे वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आप मेरे फेस देख सकते हो, एक भी पिंपल्स और एक्ने नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए गाइस बाय बाय।